वेलकम टू बिहार आरएसी मैकेनिक में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे कंप्रेसर क्या है, कंप्रेसर काज कैसे करता है, कंप्रेसर कितने टाइप्स के होते हैं ये देखते हैं। कंप्रेसर इज अ फंक्शन, कंप्रेसर का क्या फंक्शन है एंड दूसरा है टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। इसके अगले पेज पे जाते हैं हम। अब हम देखते हैं फंक्शन क्या है, देखते हैं एक एक करके। कंप्रेसर को रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हार्ट कहा जाता है, यानी कंप्रेसर को रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हार्ट कहा जाता है, यानी कंप्रेसर नहीं रहेगा तो रेफ्रिजरेशन साइकिल जो होता है वो वर्क नहीं करेगा, इसलिए इसे कंप्रेसर को रेफ्रिजरेशन सिस्टम का वर्क हार्ट कहा जाता है। दूसरा है कंप्रेसर एक यूनिट है जो कंप्रेस्ड गैस एंड रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करता है, यानी कंप्रेसर एक ऐसा यूनिट है जो रेफ्रिजरेशन साइकिल जो होता है उसमें कंप्रेस्ड गैस एंड रेफ्रिजरेंट को सर्कुलेट करता है रेफ्रिजरेशन साइकिल में, ठीक। और अगला पॉइंट जो है लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, यानी जो ऑपरेटर के द्वारा जो लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर जो ऑपरेटर के द्वारा सक्शन लाइन के द्वारा कंप्रेसर में जो सक करता है उसे हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करके वो डिस्चार्ज करता है, ठीक। अगला फेज मेरा है ये देखिए टाइप्स, इसका क्या टाइप्स है, कंप्रेसर के कितने टाइप्स है, कौन कौन है, अब एक एक करके देखते हैं। कंप्रेसर दो प्रकार के होते हैं, कंप्रेसर टू टाइप्स के होते हैं। पहला है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप एंड दूसरा है नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप वह कंप्रेसर होता है इसमें प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है, जैसे में उसमें पिस्टन हो या पिस्टन है, स्क्रोल है, ये सब के द्वारा उसमें प्रेशर को ड्रॉप या कम या बेसी किया जाता है। अनन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वह कंप्रेसर होता है जिसमें एयर यानी वेलोसिटी को बढ़ाया या कम किया जाता है। अब इसके बारे में पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर के अंतर्गत कौन कौन से कंप्रेसर आते हैं, अनन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप के अंतर्गत कौन कौन से कंप्रेसर आते हैं देखते हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर, इसके अंतर्गत रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर, दूसरा जो है रोटरी कंप्रेसर, तीसरा है स्क्रू कंप्रेसर, चौथा है स्क्रोल कंप्रेसर। अब इसके आगे है नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर। नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं दिखते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, अगला है एलेक्सियल फ्लो टाइप कंप्रेसर। अब इसके अगला जो पेज है सब रेसिप्रोकेटिंग का पिक्चर्स कैसा है, रोटरी का पिक्चर्स कैसा है, स्क्रू कैसा है, स्क्रोल कैसा है, सेंट्रीफ्यूगल कैसा है, एलेक्सियल फ्लो टाइप कंप्रेसर कैसा है देखते हैं। अगला पेज पे फिगर ये देखिए रोटरी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, ये देखिए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, ये देखिए स्क्रोल कंप्रेसर, ये देखिए स्क्रोल कंप्रेसर है, ये देखिए रोटरी कंप्रेसर है एंड ये देखिए स्क्रू कंप्रेसर। ये देखिए इसमें स्क्रू के टाइप, ये देखिए स्क्रू जैसा ये है स्क्रू टाइप, इसलिए इसे स्क्रू कंप्रेसर कहा जाता है। ये देखिए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ये देखिए सेंट्रीफ्यूगल, इसमें एम्पेलर लगा रहता है, इसमें ये एम्पेलर लगा होता है एंड एलेक्सियल कंप्रेसर ये ज़्यादातर यूज होती है हवाई जहाज इस सब में इसका यूज किया जाता है। ये देखिए हाई प्रेशर को आयरन लो प्रेशर ये देखिए कर रहा है, एलेक्सियल फ्लो कंप्रेसर है। थैंक यू।
एंड मेरे चैनल पर नए आए तो वीडियो को सब्सक्राइब, यूट्यूब को सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, एंड वीडियो को शेयर एंड लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।